हेलो एवरी वन आई होप एवरी वन इज़ डूइंग गुड वी आर बैक विद योर क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी चैप्टर ट्वेल्व दैट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन और आपकी इस यूनिट का लास्ट चैप्टर ओके जब हम मिनरल न्यूट्रिशन की बात करते हैं ठीक है मिनरल न्यूट्रिशन है क्या पहले तो आपको ये पता होना चाहिए तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स जो हैं है ना लिपिड्स हो गए वाटर हो गया सो ऑल दीज थिंग्स दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर ऑल लिविंग क्रीचर्स टू सर्वाइव ठीक है ना ये सब चीज़ें सर्वाइवल के लिए चाहिए होते हैं बाय द जो लिविंग बींगस हैं ठीक है तो जो प्लांट्स होते हैं ना उनको भी तो चाहिए चाहिए ना प्लांट्स को भी न्यूट्रिय चाहिए कि वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकें है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए है न प्लांट्स को भी तो चाहिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं सो दिस इज व्हाट इज मिनरल न्यूट्रिशन ठीक है अब ये पता चल गया क्या है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लिपिड वाटर दीज आर द थिंग्स जो आप पढ़ोगे मिनरल न्यूट्रिशन जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं फाइन अगर हम जब बात करते हैं एक मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स ठीक है अब ये क्वेश्चंस आएंगे एल जस्ट मैं तुम्हें ऊपर से बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें देन डिटेल में तो हम बाद में हर एक चीज के फंक्शंस पढ़ेंगे ठीक है हर चीज के फंक्शंस पढ़ेंगे देन विल गो वन बाय वन ठीक है अगर हम मेथड्स पढ़ें जो मेथड्स होते हैं कि स्टडी कर सके मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स तो उसमें क्या आता है ठीक है उसमें आता है हाइड्रोपोनिक ठीक है और एरोपोनिक ठीक है ये क्या मेथड की हम स्टडी करते हैं मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स ठीक है अब जब हाइड्रोपोनिक हो गया ठीक है ये मेथड हाइड्रोपोनिक हो गया जिस ये वो मेथड है जिसमें प्लांट ग्रो करता है न्यूट्रिएंट सल्यूशन में रैदर देन सॉइल में ठीक है ये न्यूट्रंट सोल्यूशन से एक प्लांट ग्रो करता है ना कि सॉइल से ठीक है जैसे कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स जो करने होते हैं ठीक है ये उसमें यूज किया जाता है ये मेथड ठीक है या यूज किया जाता है जहां पे जो प्लांट्स में मिनरल डिफिशियंसी हो या कोई डिसऑर्डर हो उन प्लांट्स में यूज किया जाता है ये हाइड्रोपोनिक मेथड ओके एरोपोनिक जो होता है इसमें क्या होता है इस पर प्लांट्स पे न्यूट्रिएंट्स स्प्रे किए जाते हैं क्या क्या जाता है न्यूट्रिएंट्स स्प्रे किए जाते हैं जो फ्लोट करते हैं एयर में ठीक है ये स्प्रेइंग मेथड होता है उसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स स्प्रे किए जाते हैं कि डेवलपमेंट हो सके एक प्लांट की तो हमारे पास क्या आ गया दो आ गए दैट इज़ हाइड्रोपोनिक एंड एरोपोनिक ओके फिर हम फर्दर जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि मिनरल एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है ठीके? अब जो तुम्हारे मिनरल एलिमेंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं एक होते हैं माइक्रो होते हैं ठीक है एक होते हैं माइक्रो फाइन अब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इसकी होती है दैट इज हायर अमाउंट ऑफ प्लांट्स नीड दिस माइक्रो ठीक है जैसे कार्बन हो गया हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीजन हो गया नाइट्रोजन हो गया फॉस्फोरस हो गया सल्फर हो गया ठीक है पोटेशियम, कैल्शियम ये सब चीज़ें जो हैं ठीक है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द सॉइल एंड दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो तुम्हारे हो जाते हैं जैसे उसमें आ जाएगा आयरन मैग्नीज आ गया कॉपर आ गया ठीक है जिंक आ गया बोरॉन आ गया ठीक है क्लोरीन आ गया निकेल आ गया ये सब चीजें तुम्हारे आ गए माइक्रोन्यूट्रंट जो टाइनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं बाय द प्लांट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सो so, मैक्रो में क्या आ गया तुम्हारा कार्बन अब एक एक करके लिखते हैं तो क्या आ गया तुम्हारे मैक्रो में दैट इज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम दे आर ऑल फाउंड इन इट, ठीक है और माइक्रो में मैंने क्या बताया तुम्हें माइक्रो में तुम्हारा आ जाएगा आयरन मैग्नीज़, कॉपर जिंक बोरॉन ओके okay? क्लोरिन निक्केल ओके सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर दीज आर योर माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट्स ठीक है फिर उसके बाद हम जो पढ़ेंगे डैट इज अबाउट अब जो एसेंशियल जो रोल्स हैं वो पढ़े जाएंगे ठीक है जैसे मैक्रो के क्या हैं या माइक्रो के क्या हैं तो क्या होगा जो भी क्वेश्चन आता जाएगा ना मैं उसमें जो भी माइक्रो होगा या माइक्रो होगा मैं उसके साथ साथ ही उसके फंक्शंस बताती जाऊंगी आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगी सो दैट यू नो नो द रोल्स अबाउट इट ठीक है हर चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना होता उसके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही तुम्हें याद करने हैं ठीक है थीके? जो तुम्हें इन क्वेश्चन के थ्रू ही पता चल जाएगा सो इट विल बी ईजी फॉर यू क्योंकि इतने सारे फंक्शंस होते हैं तो वो हर एक फंक्शन याद करना मुश्किल हो जाता है तो आप टू टू थ्री मेन फंक्शन उनके याद रखोगे ठीक है आधे तो आपके क्वेश्चन के थ्रू ही निकल जाएंगे फाइन सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट विद यो एमसी क्यूस फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ क्लोरीन कौन सा इनमें से फंक्शन नहीं है क्लोरीन का ए वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन बी एनाइन टाइन बैलेंस सी पोलन जर्मिनेशन और डी डिटर्मिनेशन ऑफ सल्यूट कंसनट्रेशन ठीक है जब हम एक क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए क्या जो क्लोरीन है फर्स्टली वो जो है ये क्या है माइक्रो न्यूट्रेंट है क्या है माइक्रोन्यूट्रेंट ठीक है पहली बात दूसरा ये है कि जो आयंस होते हैं क्लोराइड के किसके क्लोराइड के वो एब्जॉर्ब होते हैं ठीक है ये मेंटेन करता है सेल्स के ऑसोमोटिक पोटेंशियल को ठीक है और ये इन्वॉल्व होता है किसमें में फोटोलिस ऑफ वाटर में पानी की स्प्लिटिंग में ये हेल्प करता है जिससे प्रोडक्शन होती है किसकी ऑक्सीजन की ये मैंने तुम्हें बता दिया क्लोरीन के फायदे जो ये प्लांट में हेल्प करता है तीन पॉइंट्स ठीक है so, सो अब तुम्हारे चार ऑप्शंस दिए हैं आप बताइए व्हाट डू यू फील कि इसमें से क्या होगा आंसर ठीक है कि कौन सा फंक्शन नहीं है इनमें से सो करेक्ट आंसर इज सी पोलन जोमिनेशन ठीक है जो बोरॉन होता है ना दैट इज ऑल्सो माइक्रोन्यूट्रेंट वो रिस्पॉन्सिबल है पोलन की जर्मिनेशन के लिए वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन जो तुम्हारा वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन है ठीक है बेसिकली ये बेसिकली स्प्लिट आउट करता है वाटर को कि ऑक्सीजन मिल सके एक चीज एनाइन और किटाइन का बैलेंस मेंटेन करके रखता है ठीक uh, है जो बैलेंस ऑफ द सेल है ओके ये मेंटेन करके रखता है करता है सल्यूट कंसेंट्रेशन की दैट इज द ऑसोमोटिक प्रेशर वगैरह वो मेंटेन करके रखता है ठीक है सो द रोंग वन इज द पोलन जर्मिनेशन नेक्स्ट चले विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट

ये इनकी डेफिशिएंसी प्लांट की ग्रोथ को बहुत गंदी तरह इफेक्ट आउट करती है ठीक है अगर नाइट्रोजन की डिफिशेंसी हो जाएगी वो क्या होगा इम्प्योर प्रोडक्शन होती है किसकी प्रोटीन्स की इंजाइम्स की ठीक है जिसकी वजह से क्या होगा स्टंटेड ग्रोथ होगी क्या होगी स्टंटेड ग्रोथ होगी एंड फ्लारिंग का भी प्रोसेस रुक जाता है ठीक है सल्फर क्या कॉज करता है सल्फर का भी बहुत बड़ा रोल है अगर इसकी डिफिशेंसी होगी तो वो क्या होगा पेल येलो कलरेशन टेक प्लेस करेगा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ठीक है और जो मोलिडेनम की बात आ गई तो क्या होगा ये क्या होगा रिस्ट्रिक्टेड फ्लावर प्रोडक्शन कॉज करता है क्या कॉज करता है रिस्ट्रिक्टेड फ्लावर प्रोडक्शन तो ये तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं प्लांट के लिए ठीक है एंड फ्रूट सेटिंग के लिए ओके सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट समझ गए तो ये तीनों चीजें इनकी डेफिशिएंसी इफेक्ट आउट करती है फ्लारिंग के लिए जबकि बाकियों की नहीं करती है ओके okay? समझ गए तो इनका फ्लारिंग में बहुत बड़ा रोल है एंड यू शुड नो दिस पर पोटेशियम ऐसा एलिमेंट है जो फ्लार डिले नहीं कॉज करता ओके okay? इसका फ्लारिंग से कोई लेना देना नहीं है मेनली जो पोटेशियम होता है वो बेसिकली ये एक्टिवली मतलब एक्टिव होता है इन डेवलपिंग टिश्यूज के लिए ठीक है जैसे बर्ड्स हो गया लीव्स हो गई ठीक है और रूट टिप्स में इसका रोल है बाकियों का जैसे फ्लारिंग में है इसका रूट टेप्स डेवलपिंग टिश्यू बर्ड्स एंड लीव्स में है ठीक है इसका उसमें रोल है ये ऑसोमोटिक पोटेंशियल मेंटेन करके रखता है ठीक है जो स्टोमैटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है ये इंक्रीज करता है फोटोसिंथेसिस के रेट जो पोटैशियम है ठीक है तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो भी पोटेशियम पे डिपेंड करती है ओके तो ये जो मोलिडेनम है सल्फ़र एंड नाइट्रोजन है ये फ्लारिंग की डिले हो सकता है कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी फ्लार ग्रो नहीं कर पाएगा तो उसके लिए मोलिडेनम सल्फर एंड नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है ओके चले नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन कंटेन सल्फर इनमें से कौन सा विटामिन है जो सल्फर कंटेन करता है ए एस्कॉबिक एसिड बी बायोटिन सी कोबालमीन और डी रेटिनोल सो वॉट इज योर आंसर योर करेक्ट आंसर इज बी बायोटीन जो तुम्हारा बायोटीन है वो सल्फर कंटेनिंग वाइटामिन है क्या है सल्फर कंटेनिंग वाइटामिन है बाकी एस्कोबिक एसिड तो तुम्हारा वाइटामिन सी है ना कोबालमीन जो है वाइटामिन बी ट्वेल्व है रेटिनोल जो है दैट इज वाइटामिन एके तो इट्स अ सल्फर कंटेनिंग वाइटामिन सो बी इज योर करेक्ट आंसर फाइन चले नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्टिवेट्स इन जाइन कैटलेस को कौन एक्टिवेट करता है सोडियम कुबाल आयरन और सिलीकॉन सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर सी इज योर करेक्ट आंसर जो आयरन होता है तुम्हारा वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंजाइन कैटलीस को एक्टिवेट करने के लिए फाइन फाइन तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर योर करेक्ट आंसर इज आयरन ठीक है जो आयरन होता है वो एलिमेंट है जो एक्टिवेट करता है इनजाइम कैटलीस को ठीक है जो प्लांट्स हैं वो ऑप्टेन करते हैं आयरन को किस फॉर्म में फेरिक आयन के फॉर्म में ऑप्टेन करते हैं ओके okay? जो तुम्हारा बेसिकली uh, कोबाल्ट भी इंपॉर्टेंट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है ठीक है सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दैट ठीक है और जो सिलिकॉन है वो इम्प्रूव करता है हेल्थ ऑफ अ प्लांट ओके तो एक्टिवेट इंजाइम कौन हेल्प करता है दैट इज आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आय ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द बाइंडिंग कॉम्पोनेंट ऑफ राइबोजोम जो राइबोजोम्स को बाइंड आउट करता है वो कौन सा एलिमेंट है ए कॉपर, बी मैग्नीज़, सी क्लोरीन और डी मैग्नीशियम वॉट इज योर करेक्ट आंसर योर करेक्ट आंसर इज डी मैग्नीशियम ठीक है जो तुम्हारा मैग्नीशियम होता है इट इज कंसिडर्ड एज अ बाइंडिंग कॉम्पोनेंट ऑफ राइबोजोम ओके अब ये जो तुम्हारा मैग्नीशियम है ना ये इवन एक्टिवेशन ऑफ इंजाइम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ठीक है और ये रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिकली इम्पॉर्टेंट होता है ओके okay? अब ये प्लांट में कैसे होता है एब्जॉर्व इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयन्स ओके ये आर की और डी की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और दूसरी चीज तो पता चली गया कि राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है एंड इम्पॉर्टेंट है फॉर द

सो वॉट इज योर करेक्ट आंसर यो करेक्ट आंसर इज ए निकल फाइन सो य करेक्ट आंसर इज वॉट मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया में कौन हेल्प करता है दैट इज ए निकल ओके ये निकल एक माइक्रोन्यूट्रियट है जो मेटाबोलिज्म ऑफ यूरिया और यूरिड्स करता है फाइन जो तुम्हारा कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करता है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होगा जो मैग्नीज है वो कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व होता है ओके सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया में जो इन्वॉल्व होगा दैट इज निकल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दिलीमेंट्स डेफिशेंसी लीड्स टू ग्रे स्पेक ऑफ ओट्स ए मैगनीज बी मोल्डेनम सी बोरॉन और डी जिंक फाइन तो बेसिकली क्या होता है एक ओट्स का प्लांट होता है ठीक है उस पर क्या हो गया आपको ग्रे लाइंस दिखती हैं ठीक है ग्रे ग्रे स्पॉट्स दिखेंगे या आप डायग्राम ऑन गूगल चेक कर सकते हैं तो वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है दैट इज़ ए मैग्नीज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है एंड दिस इज़ व्हाट ये जो होता है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट है फाइन और बेसिकली ये कुछ एक्टिवेट करता है सर्टेन इन्जाइम्स ठीक है जो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथिस में ठीक है रेस्पायरेशन में नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म में है ना फाइन और ये फोटोलिस ऑफ वाटर में भी इन्वॉल्वमेंट कॉज करता है मतलब पानी की स्प्लिटिंग में भी मैग्नीज जो होता है वो इन्वॉल्व होता है और अगर इसकी डिफिशियंसी क्या कॉज करती है दैट इज ग्रे स्पेक्स ऑफ ओट्स या ग्रे स्पॉट्स ऑन द लीव्स दैट इज ए मैग्नीज फाइन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डेफिशियंसी लीड्स टू एग्जेंथीमिया इन सिट्रस ठीक है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक्सेंथीमिया हो जाता है इन सिट्रस ओके सो टेल मी सो करेक्ट आंसर इज बी कॉपर, ओके तो क्या होता है जब अगर आप सिट्रस कोई भी फ्रूट देखोगे तो वहाँ पे क्या होगा बेसिकली रैशेस आपको दिखेंगे स्पॉट्स दिखते हैं ओके ओके सो बेसिकली आपको क्या होगा कोई भी लीव होगा या कोई भी सिट्रस फूड होगा तो उसमें ना आपको वाइट कलर के स्पॉट्स दिखेंगे गम्स के ठीक है ठीक और उसकी कैपेसिटी को फ्रूट बेयरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट आउट करता है ओके सो यू कैन सी द गम्स ऑन द बाग

ज्यादा डीप नहीं गया है ना सो यू कैन गो फॉर इट सो व्हाट इज योर आंसर योर करेक्ट आंसर इज दैट इज डी जिंक ठीक है जिंक की डेफिशिएंसी से देर इट लीड्स टू रोज एड ग्रोथ ऑफ द प्लांट ओके okay? जो तुम्हारा फॉस्फोरस होता है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है इस सबको पस, पता है ये जो होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प तो करता है और जो बोरॉन है वो कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है फाइन सो so जो रोजेट ग्रोथ जो होती है ऑफ द प्लांट वो किसकी वजह से होती है दैट इज बिकॉज ऑफ जिंक रोजेट पता क्या हो गया रोजेट तुम्हारा हो गया एक सर्कुलर अरेंजमेंट्स होती हैं लीव्स की ठीक है और या तो जैसे ना लीव की तरह तुम्हें दिखेगा ओके सो इट लुक्स लाइक अ रोज सो दैट इज डी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज बेनिफिशियल बट नॉट एसेंशियल हमारे लिए बेनिफिशियल तो है पर एसेंशियल नहीं है वॉट इज य करेक्ट आंसर ए कैल्शियम बी मोलिडेनम सी सोडियम और डी जिंक सो करेक्ट आंसर इज सी सोडियम जो तुम्हारा सोडियम है ये बेनिफिशियल है प्लांट के लिए अगर स्मॉल अमाउंट में दिया जाए पर जो तुम्हारा कैल्शियम है वॉलीडेनम है और जिंक है ये क्या है ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं क्या हैं एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ओके जो सर्वाइवल ऑफ द प्लांट के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं ओके सो यू शुड रिमेंबर दिस सोडियम स्मॉल अमाउंट्स में इट इज नेसेसरी ठीक है अगर तुम्हें पता होगा कि हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट भी होते हैं और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स भी होते हैं है ना और देखो बेसिकली अब हमारे पास जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं ठीक है ठीके? और एक माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं तो ये ध्यान रखना ना ये आपको पता होना चाहिए जो तुम्हारा मैक्रो है ठीक है जो इजीली डिटेक्टेबल क्वान्टिटी में मिल जाते हैं मैक्रो जो एसेंशियल हैं वो नाइन एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये याद रखना पूछा जा सकता है ठीक है जो माइक्रो हैं या मैक्रो एलिमेंट्स हैं वो नाइन है नंबर में और जो माइक्रो हैं जो एसेंशियल हैं वो कितने हैं एट हैं नंबर में ठीक है सो यू नीड टू रिमेंबर दिस डू नॉट थिंक कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ठीक है पहले ये चीज़ याद रख लो ठीक है ये मैं मैक्रो और माइक्रो में बता रही हूँ तो अगर हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो नो no इम्पॉर्टेंट है प्लीज़ लिख लीजिए एक आ गया कार्बन देन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस सल्फर आ गया और पोटाशियम आ गया ठीक है कैल्शियम आ गया और मैग्नीशियम आ गया तो तुम्हारे हो गए नाइन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रियट्स ये एसेंशियल हैं जो हमारे लिए जो आठ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रियट्स हैं वो हैं आयरन मैग्नीज़, जिंक कॉपर मोलिडेनम ठीक है बोरॉन क्लोरीन एंड लास्ट इज निकल ठीक है ये हैं तुम्हारे आठ माइक्रो एलिमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है तो ये तुम्हें पूछा जा सकता है ये क्वेश्चनस ही हैं ओके उसके अलावा अगर हम बात करें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स की तो इसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए ओके ट्वेंटी एलिमेंट्स जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं जिसमें से 17 की हम बात करेंगे उसमें आ जाएगा तुम्हारा कार्बन नाइट्रोजन मैग्नीशियम ठीक है देन आयरन बोरॉन तुम्हारा क्लोरीन हो गया देन हाइड्रोजन फॉस्फोरस सल्फर कॉपर मैग्नीज़, ठीक है निकल हो गया ऑक्सीजन पोटेशियम देन कैल्शियम जिंक और मॉलिडेनम ठीक है ये तुम्हारे ऑलमोस्ट सेवेंटीन असेंशियल है, नॉन एसेंशियल जो आ जाते हैं दैट इज कोबाइट, सोडियम एल्यूमिनियम, ठीक है सिलिकॉन, देन वैनिडियम एंड सिलीनियम ठीक है दीज आर द नॉन असेंशियल एलिमेंट्स तो तुम्हें पता होने चाहिए कि असेंशियल कौन से हैं और नॉन एसेंशियल कौन से हैं? फाइन आई होप आई एम क्लियर तो सोडियम जो है उनमें से बेनिफिशियल है बट इट इज नॉट एन एसेंशियल अभी हमने इसको नॉन एसेंशियल के अंडर ही पढ़ा कि जो सोडियम है दैट इज अ नॉन एसेंशियल एलिमेंट बाकी जो तीनों हैं, वो एसेंशियल एलिमेंट्स के अंडर आते हैं ओके सो सी इज योर करेक्ट आंसर फाइन चले नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलिंग एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन लेस देन टेन मिली मोल पर के जी ए कार्बन बी हाइड्रोजन सी सल्फर और बी बोरॉन कौन सा इस वेट के से कम हमें रिक्वायरमेंट होती है तो देखो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए इसमें से माइक्रोकोन्स और माइक्रोकोन्स हैं तो इनमें से माइक्रोकोन्स हैं तो ऑब्वियसली जो माइक्रो होगा वो कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है और मैक्रो ज़्यादा में चाहिए होता है तो जो तुम्हारा कार्बन हाइड्रोजन और सल्फर है वो क्या है वो हैं तुम्हारे माइक्रो क्या है माइक्रो जिनका वेटेज मोर देन टेन मिलीमोल पर के होता है ग्रेटर होता है बोरॉन क्या है माइक्रो न्यूट्रिय जिसकी वेटेज और रिक्वायरमेंट लेस होती है देन टेन मिली मोल पर के जी ओके, सो डी इज योर करेक्ट आंसर चले आगे नेक्स्ट विच ऑफ द प्लांट इज नॉट ग्रोन बाय हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स प्रोसेस से कौन सा प्लांट ग्रो नहीं किया जाता ए टमैटो बी सीडलेस कुकंब सी लेट और डी पंपकिन मैंने तुम्हें दो प्रोसेस एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स बता दिया एक स्प्रिंग सिस्टम बता दिया हाइड्रोबी बता दिया है ना आप तुम्हें तो बताना है कि इन में से कौन सा प्लांट इस प्रोसेस से नहीं ग्रो किया जाता सो योर करेक्ट आंसर इज डी पंपकिन ठीक है मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोपोनिक क्या हो गया जो आर्टिफिशियल न्यूट्रिय मीडिया से ग्रो किया जाता है ओके okay. ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोपोनिक्स जो तुम्हारा टमाटो हो गया लेटस हो गया और कोकम्बर हो गया ठीक है ये ग्रो किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स ओके जैसे पम्पकिन और मेलन्स वगैरह जो होते हैं ये हाइड्रोपोनिकली नहीं ग्रो होते हैं बेसिकली ये जो ये जो चीज़ें होती हैं जैसे पम्पकिन हो गया और मेलन होते हैं इनको बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है ठीक है क्योंकि ये साइज इनका साइज इंक्रीज़ करता जाता है ओके okay? तो बेसिकली पॉलीनेशन भी डिफ़िकल्ट हो जाती है इनके केस में ठीक है क्योंकि इनको इतना एरिया चाहिए होता है तो इनको पॉलिनेट करना मुश्किल हो जाता है और इसके लिए बहुत सारी लेबर भी रिक्वायरमेंट होती है तो इसलिए इसको हाइड्रोपोनिक तरीके से नहीं डेवलप किया जाता या ग्रो नहीं किया जाता सो पंपकिन इज द करेक्ट आंसर ओके चले नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट चलिए बताइए ये तो अभी अभी ऊपर भी हुआ है क्वेश्चन बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिए और कुछ नहीं है सोडियम कोबाल्ट आयरन या सिलिकॉन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर सी आयरन ठीक है माइक्रो न्यूट्रिएंट है एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो उसके अंडर आता है ओके प्लांट सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है लेस देन टेन मिली मोल्ट के जी आ गया जबकि सोडियम कोबाल्ट और सिलिकॉन के दीज जा रही है नॉन एसेंशियल और दे आर बेनिफिशियल बट दे आर नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स ओके सो वॉट इज योर करेक्ट आंसर योर करेक्ट आंसर इज सी आयरन फाइन चले नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलिंग एलिमेंट इज अ माइक्रोन्यूट्रेंट अब इनमें से माइक्रो न्यूट्रेंट कौन सा है ए कापर बी मैगनीस सी क्लोरिन और डी मैग्नीशियम सेम चीज़ है कौन सा है दैट इज डी मैग्नीशियम बाकी तीनों जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं ठीक है डी मैग्नीशियम जो होता है दैट इज अ माइक्रोन्यूट्रेंट ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोन्यूट्रिएंट इज़ यूज्ड इन फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस और पोटेशियम ये जो सारे हैं बेसिकली क्या हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ओके okay, प्लीज़ ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लें विच ऑफ द फॉलिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट इज़ नॉट इज़ नॉट यूज इन फर्टिलाइजर्स ये क्वेश्चन है ठीक so, क्युं? है सो योर करेक्ट आंसर इज बी ऑक्सीजन क्यों क्योंकि जो नाइट्रोजन है पोटेशियम है सॉरी फास्फोरस एंड जो पोटेशियम है ये इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फर्टिलाइजर के ओके okay? ये रिक्वायर्ड होते हैं अबंडेंस बाय द प्लांट ओके okay? जो ऑक्सीजन होता है इसको फर्टिलाइजर की तरह यूज नहीं करते हैं तो इनमें ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं विच इज नॉट यूज इन द फर्टिलाइजर दैट इज बी ऑक्सीजन ओके सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 15 क्वेश्चन टूमोरे नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद पार्ट टू ठीक है अब हम नेक्स्ट आगे के फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू कंप्लीट इट फाइन ऑल द वेरी बेस्ट प्लीज़ इसको अच्छे से करें सो दैट वी कैन गो ऑन एंड ऑन ओके ऑल द वेरी बेस्ट हैव अ नाइस डे टेक केयर